मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस ने महंगाई की दुकान लगाई। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने पत्रकार वार्ता में जहां बीजेपी सरकार पर निशाना साधा तो वहीं सीएम को झूठी घोषणा करने वाला बताया। साढ़े 400 में गैस सिलेंडर देने की बात की है, ना तो गैस एजेंसियों पर कोई इस प्रकार के निर्देश गए हैं और ना ही कोई भी गैस एजेंसी वाला किसी भी लाडली बहना को 450 में गैस सिलेंडर देने को राजी है। उनका स्पष्ट कहना है कि शासन के उनके पास कोई निर्देश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से धूमधाम से और सारे मीडिया के सामने 250 रुपये की उल्लेखनीय घोषणा की थी, मेरा शिवराज सिंह जी से आप सबके माध्यम से ये कहना है कि ऐसे घोषणावीर मुख्यमंत्री को, ऐसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को बहनों से सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगनी चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन 250 रुपये में बहनें त्यौहार मनाना तो दूर, 1 किलो मिठाई भी लेकर अपने भाई के घर नहीं जा सकती। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनका उपहास ना उड़ाएं, महिलाओं को बेवकूफ ना बनाएं, क्योंकि अगर वे इस तरह का कृत्य आज कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं, सारी बहनें उनको 2023 के चुनाव में जवाब देगी।